मोदी के चलते हम दे दिए संजय सेठ को वोट लेकिन संजय सेठ को देख के नहीं वोट किए कह नहीं दे रहे आप लोग काम नहीं किया उसको का? नहीं देखे हाँ आज तो देखे भी नहीं उसको काम तो नहीं चुके जयराम के दू के दिबे संजय सर काम करै छै तो हम बारे, बारे तो के जीरो विकास के बारे में कुछ हुआ ही नहीं होगा भी नै ऐसा लग रहा है कुछ मतलब विकास के बारे में जो जोहार नमस्कार मैं मुकेश और आप देख रहे हैं न्यूज 19 अबे मैं हूं इचागर प्रखंड के पहाड़पुर गांव में तो चलिए लोकसभा चुनाव सामने आ रहा है और हर पार्टी का हड़कप देखने को मिल रही है तो चलिए मेरे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं जो मतलब पहाड़पुर गाँव ग्राम वासी इस बार किसको समर्थन कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में इन लोगों से जानकारी लेना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में किसको समर्थन कर बने रहे, बना रहे कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं सबसे सब पहले दादा जवाहर जहाँ आपका चैनल को भी जहा आपको चैनल को देखने वाला को भी जहर दो हजार तो... चौबीस लो, लोकसभा चुनाव में आपके इस पहाड़पुर गांव में लोग सभी लोग किसको समर्थन कर रहे हैं देखिए लोकसभा चुनाव में हम लोग का यहाँ जो सुदूर ग्राम है यहाँ तो कुछ नेता मंत्री आते भी नहीं जाते भी नहीं कुछ कुछ मतलब विकास के बारे में एकदम तो जीरो ही जीरो है तो क्या जानते हैं क्या आ, भी आए हैं उधर देखे कि राष्ट्रा पी चीसी कुछ नहीं बना है क्या संजय सेठ को या यहाँ के विधायक को कुछ नहीं बोलते विधायक को बोलो संजय सेठ को बोलो कुछ कुछ सुनवाए नहीं अगर बोलिएगा किसी तरह तो दलाल को हो जाएगा हो जाएगा ये भी ए, एक सेक्शन होगा वही एक सेक्शन होगा इधर से आइएगा उधर से आइएगा करते करते आए दो साल कम से कम कर भी इधर से रास्ता घुसेंगे उधर से रास्ते ये दो साल तो बीत गया लेकिन अभी तक तो भी ये कहीं भी कुछ नहीं हुआ है इस बार संजय सेठ को तो अभी नहीं इस बार क्या होगा क्या पता नहीं हम लोग को भी नहीं लग रहा है किसको वोट देंगे किसको नहीं हम लोग का हम लोग भी इस बार कुछ बोल नहीं पाते हैं किसको बोल नया पार्टी आ रहा है जो लगातार हर लोगों को जागरूक करने के काम कर रहे हैं जो उस पार्टी का नाम है जेबी केस तो जे केसेस नाम का चेंज होके अभी जे एल के एम हुआ क्या उस पार्टी को आप लोग समर्थन कर रहे हैं देखिए जेबी केस को हम लोग ये थोड़ा बहुत आदमी लोग बोलते है की जेबी के बीकेश जे काम करेगा नहीं वो तो यहाँ का आदमी जानते नहीं है तो इसके लिए उसको भी कम सारे लोग कह रहे हैं कि लोग बिना जीते ही इतना सारा काम कर रहे हैं आप क्या कहेंगे देखिए अगर काम किए हैं काम करेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ का आदमी को जो हम लोग देखे अगर आप लोग आते आते देखे कि कहीं विकास के जीरो रेखा में विकास के बारे में कुछ हुआ ही नहीं और होगा भी नहीं ऐसा लग रहा है जो इस चल रहा है परिस्थिति इसलिए हम लोग का यहाँ कुछ जानता ही नहीं है जब वोट इस बार देंगे कि नहीं हम लोग का तो पहले तो ऐसा भी स्थिति है कि इस बार हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे ऐसा भी हम लोग उम्मीदवार हो सके हम लोग अगर जरूरत पड़े तो हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे क्योंकि हम लोग देखें हम लोग सामने की आपको बता दे रहे हैं हम लोग विस्थापित है हम लोग विकास विस्थापित है आंशिक विस्थापित है तो विस्थापित के बारे में हम लोगों को जो उन्नीस से पेमेंट हुआ है सुने थे लेकिन एक एक घर में एक एक कार्ड मिलने वाला है बहुत सारा फैसिलिटी बहुत सारा नियोजन कुछ नहीं हम... अमिता मां तो वादा किए थे कि विस्थापित लोगों का हक अधिकार दिलाएंगे क्या दिलाए हॉक और अधिकार तो बात को छोड़िए वो जब हम हम लोग को हक मिलने वाला उसको भी ठोकने का काम किया और बहुत सारा इकसठी करोड़ रुपया का आज तो कमीशन के मार्केट में किसको मिला वो भी हम लोग को पता नहीं चल गया ऐसा स्थिति हो गया इसलिए दिमाग हम लोग का हैंग हो गया ये जो क्या करेंगे क्या नहीं एक सौ सो सोलह गाँव चौरासी मोजा का आदमी हम लोग पूरा इस बार हैंग हो गया माता जो वोट के बारे में हम लोग सोचे कि वोट मांगने जो आइएगा उसी को हम लोग हड़पाएँगे ऐसा हम लोग का सोच हुआ है तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं वो एकसठी करोड़ एक लोग हम लोग उससे पूछे गया था कि विकास के लिए आप लोग कुछ किया हम तो बहुत सारा किया एकसठी करोड़ के महावाजा किया तो इकसठी करोड़ के हम लोग देखा किसको दिया भाई हम लोग सौ करोड़ जो अगर हम लोग का ये विस्थापित में दिए तो कहाँ कहाँ दिया किसको दिया तो बोला हम लोग का पता नहीं किसको मिला हम तो उसको जब दिए वो बजट बनाए उसको पता नहीं तो हाँ पारपूर, हाँ पारपूर है तो कैसे होगा इसलिए हम लोग का यहाँ हरात गांव पहाड़पुर हरात पहाड़पुर बूथ है यहाँ का आदमी हम लोग बहुत सारे आवेदन भी भेजे हैं आवेदन दिए है तो बोला था उसको बोला कि आप बोलने से हो जाएगा मैडम आप एक काम करिए कम से कम हम लोग को ये विकास पुस्तिका दे दिए दूसरा कुछ नहीं दे नियोजन वियोजन का छोड़िए और कम से कम हम लोगों का हड़ा होगा चार मौजा हम लोगों का गांव के आदमी का चार मौजा डूबे हैं और आज तो एको भी नियोजन नहीं मिला एक कार्ड भी नहीं मिला तो दुख की बात होगा कि नहीं बोलिए आप इसलिए जेबी केसेस तो विस्थापित लोगों के लिए आंदोलन करती है क्या आप जेबी केसेस का समर्थन नहीं करेंगे देखिए जो अगर यदि हम लोग को समर्थन में उ, हम लोग को समर्थन करेंगे यार कुछ अभी तक तो हाँ उन उसके उसके वाला हम लोग भी बहुत सारा काज किए हैं नहीं बोलते हैं कि जयराम महतो के साथ उसके नाम लेके हम लोग भी बहुत सारा नी थोड़ा बहुत हम लोग जो अनासन में बढ़ते हैं अगर जुलूस उलूस निकालते हैं तो उसी का भरसा से ही आज आज हम लोग भी बहुत सारा काम किए हैं लेकिन हम लोग के इतना दिमाग आ रहा है कि इस बार हम लोग वोटें नहीं देंगे ऐसा लग रहा था तो देखते हैं क्या बोलेगा गांव वाला से पूरा चिल मिल के हो जाएगा अगर मिलेगा तो देंगे अगर कुछ बोल रहे हैं कि वोटें नहीं देंगे हम जगह जगह हर गाँव जा देखते हैं कि इस बार बोलते हैं कि जयराम मातो को देंगे देंगे लेकिन वोट कम से कम किसी को तो बोलना ऐसे दे दे के हम लोग तो छूट गया देते हैं हाँ ओ वोट दो इस बार हम लोग बोल के कि वोट देंगे तो वोट देने के बाद आप क्या करिएगा इस गाँव के लिए इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि वोट देंगे तो क्या होगा वोट तो हम लोग देते ही आ रहा है सुने था कि ना उन्नीस सौ बावानवे से वोट चालू हुआ था उतना दिन से वोट देते आ रहा है लेकिन कितना लूटपाट हो रहा है देख रहे हैं ना गाँव में लूटपाट का कर... कैसे बोलिएगा कौन सा लूट देखो इतना बड़ा हम लोग का विस्थापित का मुद्रा है यहाँ देखो आते आते देखो कहीं भी आपको लाइन सिर्फ पहुँचे सिर्फ हम अपने से लाइन ले आए हैं लाइन भी नहीं आया था यहाँ हम लोग अपने अपने चंदा करके लाइन यहाँ घुसाए हैं ये थोड़ा बहुत दुख की बात है विश्वास जगाइएगा है जगाए हैं तो हम लोग करेंगे इसलिए हम लोग बोला था कि नहीं बोला कि मतलब इसके दूसरे लोग बोल रहे हैं कि दारू और मतलब पैसा देने से उसी को भर देंगे क्या कहिएगा हाँ वो भी देगा वो बोल रहे हैं क्या उसका दिमाग हैंग हो गया सारा आदमी को देखते देखते दिमाग हैंग हो है। गया इसलिए बोला कि दारू और मुर्गा जो देगा उसी को देगा लेकिन किसको वोट देगा होने का बात पता गया अभी नहीं बोल पाएगा किसको वोट देंगे किसको नहीं जब वोट हो गया ना तो हम लोग हैं उन लोग से भी जानकारी लेना चाहेंगे सबसे पहले दादा किसको वोट दे रहे हैं लोकसभा चुनाव सामने आ रहा है पच्चीस तारीख को वोट होने जा रहा है किसको दे रहे हैं हम लोग तो देवेंद्र नाथ महातो के देंगे और किसी आदमी किसको देंगे वो तो हम मेरा पता नहीं है लेकिन हम देवेंद्र संजय सेठ को आप लोग वोट दिए थे जिताए थे संजय सेठ काम किए कि नहीं किए उस समय मोदी के चलते हम दे दिए संजय सेठ को वोट लेकिन संजय सेठ को देख के नहीं वोट दिए हम मतलब मोदी को देख के दे दिए थे हाँ उस समय मोदी के देख के दिए लेकिन संजय सेठ को हम मोदी को देख के नहीं दीजिएगा नहीं इस बार नहीं देंगे इस बार जयराम माथो को देख के दे देंगे वोट धन्यवाद सबसे पहले दादा जोह इस बार जयराम महतो को वोट देंगे जयराम महतो को देने का कुछ चांस देंगे वो क्या कर रहा नया है नया पार्टी है इसलिए हम लोग उसको देखेंगे संजय सेठ को तो देखे लेकिन काज काम नहीं बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि संजय सेठ या सुबोध बाहरी लोग है बाहरी लोग को नहीं देंगे वो जयराम महतो यहाँ के स्थायी है क्या जयराम महतो का हाँ उसको भी एक बार देख के देखेंगे अगर वो भी सही काम नहीं कर रहा है तो अगला बार सोचेंगे अभी उसको ही देख के देखेंगे सबसे सब पहले दादू जहार जहार किसको आप वोट देंगे इस बार को देंगे तो हमारा काम करेगा का तब काम तो, अभी जीता, तो के के अभी जीता नहीं है तो पर भी बहुत सारे काम कर रहा है तो तो हम लोग का नहीं दूसरों को को ना आप लोग नाती पुता के लिए कर रहे है ना जी पूजा हाँ ठीक है इस बार मतलब जयराम को देना जयर मात संजय का सेठ हाँ, आ... को कहा नहीं हाँ। तो कहा हाँ? दे रहे हैं आप लोग काम नहीं किए उसको नहीं देखे आज तो देखे भी नहीं उसको काम तो नहीं किए हैं हाँ देखे भी आप किसको दीजिएगा वो हाँ जयराम महतो को जयराम महतो को कहा दे रहे हैं संजय सेठ को कहा नहीं दे रहे संजय सेठ को नहीं देंगे संजय सेठ से हमारा मौका वाला ही नहीं उसे हम जानता आ, ही नहीं लोग गांव कभी आए हैं कि नहीं आए है हाँ, को को भी नहीं सोचे नहीं जानता नहीं है है अच्छा, वो बात भी नहीं जानता है जो जा कहाँ हमारा हरद पहाड़पुर तो उसको का ले देंगे हम लोग का जो महतो लोग है हमारा जाति भैया है उसी ने को, को देंगे हम लोग दूसरे को देवेंद्र नाथ महातो खड़े रहे क्या देवेंद्र नाथ महतो के जीत देगा ना नहीं जयराम महतो के जयराम महतो को देगा महिला लोग है महिला लोग से बात करने के प्रयास करते हैं

काके भर दिसो हमरा जयराम कह दिबो माने सब का ई बारे मन ये कर नी ऐसे कि जयराम के ई बारे जयराम कह दिबो आराम सबार मन है तोरा के दिबो जयराम जयराम के जयराम के हां यहां जो पहाड़पुर गांव के ग्रामवासी हैं सभी का मन में ही आ रहा है कि इस बार जयराम को देंगे और...